तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? स्वागत है आपका जेजी फोर टेक की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अमेजोन का जो रिव्यूअर प्रोग्राम है, जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स को रिव्यू करके रिव्यू यूनिट्स पा सकते हैं। तो उसकी मैंने एक पहले वीडियो बना चुका हूँ, जो आप देख सकते हैं, मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आई कार्ड पर भी आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बारे में मेरे पास कई सवाल आ रहे थे कि रिव्यूअर रैंकिंग कैसे देखे और कुछ बताइए इस रिव्यूअर प्रोग्राम के लिए। तो मैंने सोचा इसके लिए वीडियो बना ही देते हैं इसलिए। तो दोस्तों, इसलिए मैं सोचा वीडियो बना के आप सभी को दिखा देते हैं कि कैसा होता है टोटल उनका सीन। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना दोस्तों और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, जिससे कि आपके पास हमारे लेटेस्ट वीडियोज आती रहे और आप हमारे लेटेस्ट ऑफर्स का लाभ उठाते रहें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, अमेज़ोन का इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अमेज़ोन अगर आप अपडेट कर लेंगे तो उसमें थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन दिखेगा आपको, थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस दिखेंगे लेआउट में। तो आप अपडेट कर लीजिएगा, अपडेटेड वर्जन में आपको बताता हूँ कैसे आप देख सकते हैं रिव्यूअर रैंकिंग। बाकी सब कुछ चीज़ें ही बताने वाला हूँ इसी रिव्यूअर प्रोग्राम के बारे में। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के साथ जब तक ये इंस्टॉल हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इंस्टॉल हो रहा है, ये बस हो चुका है 100%। अब आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप टोटल इसका प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप अमेज़ोन को अपडेट करके ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद अगर आपने लॉगिन और साइनअप नहीं कराया हो तो जल्दी से कर लीजिएगा साइनअप या लॉगिन। तो आपके सामने नया इंटरफेस ये आएगा, वेलकम टू द एको फैमिली। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो चुके हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसने अपने एको डिवाइसेस को दिखाया है अमेज़ोन ने। यहाँ पे देख सकते हैं एको स्पॉट, एको सब नया आया है, शायद एको सब, एको प्लस भी है यहाँ पे और एको डॉट, ये चारों दिखाए हुए हैं। मीट एलेक्सा वगैरह ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे 5 डिवाइसेज है टोटल अमेज़ोन के। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इंटरफेस में चेंज मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो प्रोफाइल का सेक्शन आता था पहले या वहाँ पे ये नहीं है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर 3 लाइंस पे क्लिक कर नीचे यहाँ पे आपको योर अकाउंट पे क्लिक करना होगा। योर अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने नीचे करेंगे तो प्रोफाइल सेक्शन में जाना होगा। तो दोस्तों, अगर आप रेगुलर डालते हैं इसमें रिव्यूज़ अमेज़ोन में, तो आपके सामने यहाँ पे आपकी प्रोफाइल भी बनी होगी ऐसी कुछ। तो यहाँ पे मेरी देख सकते हैं रिव्यूअर रैंकिंग है 635 जो, और मेरे को टॉप 1000 रिव्यूअर का बैच भी मिला हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप अपने इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह को भी ऐड कर सकते हैं। मेरे 217 हेल्पफुल वोट्स हैं और 94 रिव्यूज़ हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैं रिव्यूज़ करता रहता हूँ, और ये कुछ इनमें से प्रोडक्ट्स ये जो देख रहे हैं आप, ये सारे मेरे रिव्यू के लिए आए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सारे मेरे रिव्यू यूनिट्स आए हुए हैं, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, ये सारे मैंने ऑर्डर कर दिए थे। जैसा कि इनका प्रोसेस होता है, ऑर्डर करके कैशबैक देते हैं। ये आपको रिव्यूअर रैंकिंग कैसे देखनी है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। दोस्तों, जैसे कि मेरी रिव्यूअर रैंकिंग दिख रही है, और अगर आपकी, मान लीजिए आप रेगुलर रिव्यूअर है और आपकी रैंक यहाँ पे दिखाता है 10,000 से ऊपर, तो 10,000 से ऊपर रैंक वाले जो लोग होते हैं वो अपना देख नहीं सकते इस पर क्लिक करके। मतलब उनका यहाँ पे ब्लैक में लिखा होगा यहाँ पे रैंकिंग, रिव्यूअर रैंकिंग। लेकिन दोस्तों, अगर आप टॉप 10,000 के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पे ब्लू हो जाएगा आपका, जैसे कि मेरा हो रखा है, और इस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं दूसरे रिव्यूअर्स को भी। तो देख सकते हैं मेरा 635 रैंक है। यहाँ पे नीचे अलग अलग रिव्यूअर्स हैं, आप उन पे क्लिक करके उनके रिव्यूज़ भी देख सकते हो, आप उन पे क्लिक करके उनकी प्रोफाइल वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये है मेन इसका कैसे देखनी है रैंकिंग। हाँ दोस्तों, यहाँ पे टॉप 10,000 के अंदर आना पड़ेगा अगर आपको दूसरे रिव्यूअर्स की रैंकिंग देनी, वरना आपकी सिंपल रैंकिंग तो यहाँ पे दिखा देगा, ये शो कर देगा योर अकाउंट में जाके। तो दोस्तों, ये थी पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको रिव्यू यूनिट्स चाहिए, रिव्यू यूनिट्स का मैं बता दूं कैसे मिलेंगे अब, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अमेज़ोन ने कर दिया है टफ इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप रिव्यूज़ करते हैं दोस्तों, रेगुलर रिव्यूज़, आप ज़्यादातर कोशिश करिए कि आपके वेरीफाइड रिव्यूज़ हो, मतलब आपने जो चीज़ परचेज़ करी है उसी का रिव्यू आप करें, तभी आपका चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि, और सामने वाला आपको देख रहा है आपकी प्रोफाइल, तो उसको आपके रिव्यूज़ कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं या वेरीफाइड रिव्यूज़ हैं भी या नहीं, या फिर फेक रिव्यूज़ डाल रहा है कोई। तो दोस्तों, वेरीफाइड रिव्यूज़ का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है। और उसके बाद दोस्तों, अगर आप ऐसे ही रिव्यूज़ डालते रहेंगे बिना परचेज़ करे, तो वो आपके इस पर थोड़ा प्रभाव डाल सकती है दोस्तों, आपका मतलब अच्छा नहीं होगा आपके अकाउंट के लिए वो। तो आप अपनी प्रोफाइल अच्छी बनाए रखने के लिए वेरीफाइड रिव्यूज़ का यूज़ करा करें।
दूसरी बात दोस्तों, आप यहाँ पे प्रोफाइल वगैरह में अपनी डीपी वगैरह लगा सकते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने लगाई हुई है। यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, यहाँ पे एकदम जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। यहाँ पे सारे ये टैब्स मैंने लगाए हुए हैं अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का भी। तो और यहाँ पे आपके सामने मेरा ईमेल आईडी को डाला है मैंने वेबसाइट के तौर पर, क्योंकि दोस्तों जो ईमेल आईडी है, ईमेल पर ही आपसे कांटेक्ट करती है ज़्यादातर कंपनीज़, मेरे से भी ईमेल पर ही ज़्यादातर कंपनीज़ कांटेक्ट करती हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी करना है तो ये सब कर सकते हैं। और दोस्तों आज के टाइम में अमेज़ोन पे जो सेलर्स होते हैं वो ज़्यादा रिव्यूज़ प्रोडक्ट्स नहीं दे रहे हैं, मैंने नोटिस करा है, जितने मेरे को पहले आते थे अब उतने नहीं आते हैं। तो दोस्तों बस यही बताना था मुझे इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन्हें उनको भी पता चले इस प्रोग्राम के बारे में, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ पाने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों आपका इस वीडियो देखने, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बाय दोस्तों। We'll be right back.